हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं आपके लेकर आऊँ बहुत सारे न्यू वैरायटी ऑफ टॉय। तो चलो दोस्तों, एक एक करके मैं इनको आपको दिखाता हूँ। और वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज कर देना वीडियो को लाइक और चैनल को कर देना सब्सक्राइब। तो चलते हैं वन बाय वन। और सबसे पहले मैं आपको क्या दिखाता हूँ, तो सबसे पहले मैं दिखाने वाला हूँ ये। तो दोस्तों ये देखो, ये एक हमारा ट्रांसपेरेंट पाउच है। तो आप देख सकते हो किसका है, डीप सी मरमेरिड। ये एक मछली है जो समुद्र में पाई जाती है। वाह, ये देख सकते हो पर्पल कलर की है और ये ट्रांसपेरेंट पाउच है। चलो मैं इसको आपको ओपन करके दिखा देता हूँ। आप बहुत ही अमेजिंग, वाह, ये देख सकते हो दोस्तों। इसमें हमें दो केस मिलते हैं, ये जो प्लेयर केस मिलता है और एक सेकंड ये जो नट वाला केस मिलता है। इसमें हम चैन मिलते हैं और इसमें हम कुछ भी अपना रख सकते हैं और इसमें देख भी सकते हैं हमारे क्या चीज़ रखी हुई है। और एक दो तीन और चार, चार हमें यहाँ पर बॉक्स मिलते हैं जिसमें हम पैन से अपने एडजस्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं इसमें दो कंपार्टमेंट मिले हैं जिसमें हम केस भी बोल सकते हैं। तो वाह, चलो दोस्तों इसको हम रख देते हैं। और ऊपर से बात करें इसका, पिंक कलर के जो हेयर है बहुत ही अमेजिंग लग रहे हैं। और साइड में आपको दिखा देती है सी हॉर्स है दोस्तों, जो समुद्र में पाया जाता है। चलो दोस्तों इसको रखते हैं और बाद में लेते हैं ये। तो दोस्तों इस जिमेट्री की बात करूं तो ये भी एक पाउच है, ये यूनिकॉर्न का पाउच है पिंक कलर का। तो वाह, कितना अमेजिंग है। चलो दोस्तों इसको भी मैं ओपन करके आपको दिखा देता हूं ये कैसा दिखता है। वाह दोस्तों, इसमें भी हमें दो कंपार्टमेंट मिलते हैं, मीन्स दो पाउच हम बोल सकते हैं इसको, सॉरी दो केस। इसमें एक ट्रांसपेरेंट मतलब जाली टाइप मिलता है, नेट टाइप हमें एक बॉक्स मिलता है और दूसरा मैंने इससे पहले कुछ दिखाया था सेम टाइप का भी इसमें मिलता है। वन टू थ्री फोर, फोर इसमें हम टाइम से हम रख सकते हैं। तो वाकई में तो काफ़ी सारी चीज़ें आ सकती हैं, लेकिन मेनली हम इसमें पेंसिल और स्केल इरेजर ये सब चीज़ें रख सकते हैं। तो चलो दोस्तों इसको भी करते हैं क्लोज और रख देते हैं इसको साइड में और देखते हैं दोस्तों हमारे पास क्या क्या आने वाला है। तो दोस्तों ये दिखाता हूँ आपको। हाँ तो दोस्तों ये है, ये हमारा फैन। वाह, ये हमारा फैन शार्पनर है। तो दोस्तों मैं इसको अंदर से दिखाता हूँ फैन शार्पनर कैसा होता है। तो चलो ओहो, चलो दोस्तों मैं इसको दिखाता हूँ। वाह, तो दोस्तों इसके अंदर आप देख सकते हो, तो इसके अंदर एक यूएसबी केबल निकली है जो कि आपको मैंने दिखा दी। ये यूएसबी केबल है, इसको मैंने साइड में रख दिया है और इसको मैं यहाँ से ज्वाइंट कर लेता हूँ। तो ये तो दोस्तों मैंने, वाह ये देखो दोस्तों, ये मेरा दोस्तों ज्वाइन हमने इसको कर लिया है। दोस्तों अनफॉर्चुनेटली ये फैन मेरा टूट गया है देखो पीछे से। चलो फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कि ये कैसा है। ये देख सकते हो ये शार्पनर है जो कि कैमरे की तरह दिखता है और ये फैन है। तो इसको दोस्तों हम टेबल पे रख के जब पढ़ाई करें तो फैन के रूप में भी इसे यूज कर सकते हैं। यहाँ पर एक इसका स्विच दे रखा है तो आपको दिखा दो दोस्तों, और एक यहाँ पर यूएसबी केबल का चार्जर दे रखा है जो है इनपुट में। तो दोस्तों ये अगर पहली बार में हम स्विच ऑन करते हैं तो देख सकते हो आप इसकी लाइट देख सकते हो दोस्तों, इसमें लाइट जल चुकी है 7 मिनट में। और इसका एक और बार मोड में ऑन कर दूँ तीसरा, तो इसमें हमारा फैन चल जाता है। ये देखो दोस्तों, ये हमारा फैन चल जाता है। तो ये दोस्तों बहुत ही अमेजिंग ये फैन शार्पनर है और दोस्तों मुझे तो बहुत ही पसंद आ रहा है। आपको कैसा लगा, और आपको भी अच्छा लगा तो प्लीज़ कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए। हालांकि अनफॉर्चुनेटली ये ब्रोकन हो चुका है। चलो कोई नहीं, से रख देते साइड में और मैं इसको ले लेता हूँ। क्या लेता हूँ, वाह, तो दोस्तों ये लेता हूँ मैं, लव म्यूजिक जिमेट्री है दोस्तों। ये भी यूनिकॉर्न के पर्पल कलर की जिमेट्री है। वाह, मैं दिखा दे सकता हूँ। ये देखो, यहाँ से आपको ट्रांसपेरेंट से नजर आ सकते हैं। एक शार्पनर है, यहाँ पर एक इरेजर है और इसको मैं ओपन कर दूँ। वाह, ये मैंने ओपन कर लिया तो यहाँ पर एक कंपार्टमेंट हमें मिल जाता है जिसमें हमारी पेंसिल्स हम रख सकते हैं। 1 2 3 4, तो 4 पेंसिल्स हम इसके अंदर रख सकते हैं। और इसको ओपन करेंगे तो नीचे भी एक प्लेन हमें कंपार्टमेंट मिल जाता है जिसमें अपन अपना स्केल या ज्योमेट्री का कोई भी टूल हम इसमें रख सकते हैं। चलो दोस्तों इसको हम बंद कर देते हैं। और इसको बंद करने के बाद मैं एक चीज़ तो आपको बता देता हूँ कि इसमें एक चीज़ और मिलती है, वो सबसे बड़ी खास बात है ये। तो दोस्तों अगर लाइट चली जाती है तो हम इसको टॉर्च जलाकर कुछ भी यूज कर सकते हैं, मीन जैसे कि अगर हम पेंसिल अगर खो गई है कुछ तो ढूंढ सकते हैं टॉर्च से। तो बहुत ही अमेजिंग इस जिमेट्री में फीचर दिया गया है, इसमें टॉर्च है। चलो दोस्तों इसको भी हम रखते हैं अपने पास और बाद में लेते हैं ये। तो दोस्तों ये है हमारे पास एक गिफ्ट पाउच। वाह, बहुत ही अमेजिंग गिफ्ट है। चलो दोस्तों देखते हैं इसके अंदर क्या क्या मिलता है। वाह दोस्तों, इसे मैंने ओपन कर लिया है और ओपन करने के बाद मैं आपको दिखा देता हूँ। वाह, ये हमें यूनिकॉर्न की क्लिप मिलती है जो कि हम बालों में लगाते हैं, खासकर गर्ल्स इसे बालों में लगाती हैं।
चलो इसको मैं रखता हूँ। और सेकंड चीज मिली हमें ये, तो दोस्तों ये हमें रिंग मिली है दोस्तों, बहुत ही अमेजिंग सी है, ये भी यूनिकॉर्न की रिंग है और इसको रख लेते हैं। और थर्ड ये मिली हमें, ये क्या मिला हमें देख सकते हो, ये हमारी वॉच, बहुत ही अमेजिंग सी वॉच है यूनिकॉर्न की, और हाथ पे पहन के तो बहुत ही बढ़िया लगेगी, ये देख सकते हो दोस्तों कितनी अमेजिंग लग रही है। चलो इस गिफ्ट को भी हम अपने पास रख लेते हैं और आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारे पास क्या क्या है। तो अब आते हैं ये, तो दोस्तों ये क्या चीज है, ये हमारी है बाइक का जिमेटो, वाओ इसके साथ देखो व्हील भी लगे हुए हैं, वाओ देखो अमेजिंग, ये चलने वाली बाइक है, बहुत ही अमेजिंग है। चलो दोस्तों ग्रीन कलर की है, वाओ चलो इसको ओपन करते हैं दोस्तों, कहाँ से ओपन, नहीं ये जहाँ से ओपन होगी बैक साइड से ओपन होगी, वाओ। तो दोस्तों ये ओपन करके मैंने आपको दिखा दी, ये बाइक की तरह दिखती है, यहाँ पर ये क्लीन केस है जहाँ पर हम अपनी पेंसिल लगा सकते हैं, और इसके नीचे एक और कंपार्टमेंट मिलता है जिसमें इरेजर शार्पनर या कुछ भी हम अपनी चीज़ें रख सकते हैं एक्सेट्रा। तो चलो दोस्तों इसको मैं दोबारा से क्लोज करके बंद कर देता हूँ, और ये देखो मेरे तो बहुत ही अच्छी लगी है, पहिए वाली जिसे हम कह सकते हैं जिमेट्री, वाओ ग्रीन कलर की। चलो दोस्तों इसको भी रखते हैं और फिर लेते हैं हम ये, तो दोस्तों ये मिलती है हमें छोटा भीम, तो छोटे भीम की हमें वॉच मिलती है, और मैं इसे आपको निकाल के भी दिखा देता हूँ कैसी दिखती है, वाओ। तो चलो दोस्तों मैं इसको निकाल के दिखाता हूँ, छोटा भीम छोटा भीम छोटा भीम छोटा भीम, तो दोस्तों ये हमारी ओपन होने वाली छोटा भीम, वाओ। तो दोस्तों मैंने ओपन कर ही लिया, वाओ ये देख सकते हो दोस्तों कितनी अमेजिंग ये हमारी वॉच है, और मैं इसको सीधा कर देता हूँ जल्दी जल्दी से, वाओ ये सीधा करके, और दोस्तों ये हमारी बैंड हो गई, वाओ। तो इसको ऐसे करके अपनी कलाई पे पार सकते हैं दोस्तों, ये देखो कितनी अमेजिंग लगी, ये हमारे छोटा भीम की वॉच है, बहुत ही अमेजिंग है। दोस्तों आपको कैसे लगी कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं, बहुत ही अमेजिंग है। चलो दोस्तों इसको भी हम रख देते हैं, और फिर हमारे पास क्या आता, फिर आता है हमारे पास ये, तो दोस्तों ये भी एक है हमारी डबल साइड कार्टून ज्योमेट्री, वाह बहुत ही अमेजिंग है, डबल साइड कार्टून ज्योमेट्री है। चलो इसको ओपन करते हैं, वाह। तो यहाँ पर एक हमें प्लेन कंपार्टमेंट मिल जाता है, और यहाँ पर हम कुछ भी एक्सेट्रा रख सकते हैं, तो इसे हम बैक कर लेते हैं, और इधर से भी देखते हैं दोस्तों, इधर भी एक हमें कंपार्टमेंट मिल जाता है, तो लेकिन इधर डिफरेंट कंपार्टमेंट है, इधर हम अपनी पेंसिलें रख सकते हैं, और यहाँ पर एक सिंपल पेंसिल रख सकते हैं, यहाँ पर शार्पनर रख सकते हैं, और हम स्केल भी रख सकते हैं। तो दोस्तों ये हमारी ज्योमेट्री थी, वाह बहुत ही अमेजिंग है, और इसमें कुछ फीचर्स है दोस्तों, ये एक फीचर है, वाह। तो इसमें सबसे यूनिक फीचर ये मिलता है कि हमें एक बोर्ड मिल जाता है यहाँ पर रखने के लिए, अपना रफ वर्क करने के लिए, तो दोस्तों ये फीचर मेरे को बहुत ही अमेजिंग लगा, और बहुत ही प्यारी है, डबल डेकर आर्मी डबल साइड हम पेंसिल बॉक्स से बोल सकते हैं। चलो दोस्तों इसको भी रखते हैं अपने पास, और देखते हैं हमारे पास क्या क्या बचा हुआ है, तो बचा हुआ है हमारे पास ये, तो दोस्तों ये तो बहुत ही अमेजिंग, ये है हमारा हल्क, वाह इनक्रेडिबल, और एंग्री हल्क, तो दोस्तों ग्रीन कलर का हमारा एंग्री हल्क है, और ये देख सकते हो दोस्तों इसमें लाइट भी जलती है, वाह जब ये बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता है तो अपनी लाइट जला लेता है, वाह बहुत ही अमेजिंग। चलो दोस्तों इस हल्क को भी हम रखते हैं अपने पास, और आखिर में क्या क्या हमारे पास बचता है, तो बचता है हमारे पास ये, तो दोस्तों ये देखो ये हमारे पास ट्रांसपेरेंट कार, इसे हम कंसेप्ट कार भी बोलते हैं, वाह देख सकते हो इसमें मॉडल हमें सारा इंटीरियर हमें देख सकते हैं नजर आ सकता है। तो यहाँ पर एक स्विच है जिसे हम ऑन करने पर ये लाइटें जल जाती हैं, आप देख सकते हो कितनी अमेजिंग ये लाइटें लग रही हैं, पाओ। और इसके साथ एक ही नया फीचर है कि इसमें एक म्यूजिक भी है, मैं इसको म्यूजिक सुना देता हूँ आपको, ये देख सकते हो दोस्तों कितना अमेजिंग कितना ब्यूटीफुल म्यूजिक है, और इसको थोड़ा सा चला देता हूँ, वाह ये देख सकते हो दोस्तों कितना अमेजिंग है। चलो दोस्तों ये बहुत ही अमेजिंग म्यूजिक के साथ ये कार बनी से हम बहुत ही कंसेप्ट कार जिसे हम ट्रांसपेरेंट कार भी बोल सकते हैं। चलो दोस्तों जल्दी से हम इसको रख लेते हैं, और देख ना करते हुए हम अपने दिखाते हैं ये वाला पाउच और दिखाते हैं दोस्तों, वाह इतना अमेजिंग पाउच है, ये भी यूनिकॉर्न का पाउच है, वाह देख सकते हो यहाँ पर एक जेब मिलती है हमें, और एक प्रॉफिट हमें यहाँ पर मिलती है, तो इसमें बहुत सारा हम अपना सामान आर्टिकल जो भी हम रख सकते हैं। चलो दोस्तों इसको भी जल्दी से हम बंद करके, और एक ये देखो ये हमारे एक बैच मिल जाता है यूनिकॉर्न का, बहुत ही अमेजिंग सा बहुत ही प्यारा बैच मिला है। चलो दोस्तों इसको रखते हैं साइड में, और हमारे पास क्या बचा है ये, तो दोस्तों ये हमारे पास ट्रक,
वाह, ये हमारे पास क्या है, ट्रांसफॉर्मेशन ट्रक है जो कि रोबोट में चेंज हो जाता है और ये दो पार्ट में बटा हुआ है, एक ये ट्रक में एक ये कंटेनर में। तो दोनों आपको दिखाता हूँ। पहले मैं कंटेनर का स्विच ऑन करता हूँ। ये देखो दोस्तों, कंटेनर का स्विच ऑन करा तो आपको एलईडी जलती हुई नजर आई होगी, वाह कितनी अमेजिंग एलईडी है। और सेकंड स्टेप है ये, तो ये हमारा ट्रक। वाह दोस्तों, इसका म्यूजिक और देख सकते हो दोस्तों कि कैसे ये चल रहा है। और ये ओहो, ये देखो दोस्तों क्या अमेजिंग है, ये ट्रांसफॉर्म हो चुका है रोबोट में। तो दोस्तों आप देख सकते हो कितनी अमेजिंग ये ट्रक है। चलो दोस्तों, इसको हम बंद कर देते हैं और रखते हैं अपने पास। वाह, मुझे तो इसको देख के बहुत ही मजा आया। और दोस्तों आपको भी अच्छा लगा तो प्लीज मुझे जरूर बताएं। और सबसे आखिरी में बस्ती है हमारे पास ये, तो दोस्तों ये बस्ती हमारे पास डोरेमोन की ज्योमेट्री। वाह, कितनी अमेजिंग डोरेमोन की ज्योमेट्री, इसमें तो मुझे लग रहा काफी सारे फीचर्स हैं। चलो मैं एक एक करके आपको बताता हूँ। तो ये रेड बटन है हमारे पास, इससे देखते हैं क्या आता है। ओहो, इससे तो ये बॉक्स निकल के बाहर आता है, ये छोटा सा कंपार्टमेंट हमें मिलता है। चलो इसे बंद कर देते हैं और फिर ग्रीन दबाते हैं। वाह, ये देखो दोस्तों, ये एक हमारा लॉकर है, ये ज्योमेट्री लॉकर है जो हमारे इसके ऊपर क्या है, हम जो भी लॉक लगाएंगे उसमें ज्योमेट्री खुलेगी। चलो इसको हमने बंद कर दिया है और येलो कलर का बटन दबाते हैं। वाओ, ये देखो दोस्तों, ये हमारा बाहर निकल के आता है शार्पनर, तो इससे मैं अपनी पेंसिल शार्प कर सकते हैं। चलो इसको भी बंद कर देते हैं हम और इसको बंद कर देते। ये हमारा पिंक कलर का बटन है, इसको देखते हैं क्या कहते हैं। वाओ दोस्तों, यहाँ पर एक कुछ निकल के आता है। तो दोस्तों ये तो पता था टेम्परेचर, तो सेल्सियस डिग्री और फारेनहाइट दोनों में टेम्परेचर बताता है। चलो दोस्तों इसको भी बंद कर लेते। ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट एक फीचर इसमें मिल चुका है हमको। और ब्लू कलर का अगर आप बटन दबाते तो क्या होता है। ओहो, ये देखो दोस्तों, ये केस निकल के आता है हमारे ब्लू कलर का बटन दबाने से, जिसमें हम अपनी पेंसिल रख सकते हैं। चलो दोस्तों इसको हम बंद कर देते हैं और करते हैं इसको ओपन। वाह दोस्तों, जो अभी हमारे ब्लू कलर के बटन से हमें बाहर आई थी, वाह दोस्तों इसे ओपन करने से ये मिलता है। लेकिन इसके नीचे एक और हमारा छुपा हुआ जो कहते हैं एक कंपार्टमेंट मिलता है, इसके नीचे भी एक जिसे हम स्केल रख सकते हैं एक पतला सा। चलो दोस्तों इसको हम बंद कर देते हैं और बैक साइड देखते हैं दोस्तों ये क्या है। बैक साइड भी डोरेमोन की एक इसमें इमेज छिपी है, इसे ओपन करते हैं। तो वाह दोस्तों, देख सकते हो इसमें एक सिंपल प्लेन एक कंपार्टमेंट रखा जा सकता है, जिसमें हम अपने स्केल्स या कंपास या एनीथिंग आर्टिकल और भी चीजें रख सकते हैं। और ये मैग्नेटिक है जो कि नॉर्मली नहीं खुलता है, देख सकते हो दोस्तों, और ये हमें खोलने से खुलता है। तो चलो दोस्तों, मेरी वीडियो जिसको भी अच्छी लगी हो प्लीज कर देना वीडियो को लाइक और चैनल को कर देना सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छी सी वीडियो के साथ। टाटा एंड बाय बाय।